हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 24। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं शिष्यं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सूते देवी, प्रणमामि हरिचि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक नंबर 24। कृपया इन अत्यंत ही मनोहर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सदेव देवो
भगवान् प्रतीक्षताम् कलीवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासा ऋणलोचनोलसन् मुखाम्भुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलीवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासा ऋणलोचनोलसन् मुखाम्भुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलीवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासा ऋणलोचनोलसन् मुखाम्भुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। शब्दात् स देवदेवो, स मतलब वो यानी वह कृष्ण, इसके विषय में बात कर रहे हैं कि वो साक्षात भगवान है और केवल भक्त्यावेश मनोयस्मि वास, उस भगवान की भक्ति करते हैं जो, और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं और भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। तेरन कलेवरम योगी मुच्यन्ते का, और ऐसे भगवान के विषय में सोचते हुए जो शरीर को त्यागते हैं तो कर्मों के समस्त रिजल्ट से वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, भगवान का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, प्रतीक्षता अर्थात कृपया प्रतीक्षा करें, रुके यहाँ पर, अभी मैं प्राण त्यागने वाला हूँ तो कृपा करिए यहाँ पर रुक जाइए, मत जाना कहीं भी, इधर ही रहिए। और वो कहते हैं कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम्, कलेवरम अर्थात शरीर को यावत जब तक, इदम इसको, हिनोम्यहम् त्यागूंगा, जब तक मैं ये शरीर को त्याग नहीं देता हूँ तब तक आप इधर से हटिएगा नहीं, इधर ही रहिए। और आगे कहते हैं प्रसन्न हास्य, ऐसे नहीं रहिएगा, हैप्पी फेस बनाइए, प्रसन्न हास्य, प्रसन्न चित्त से हंसते हुए, अरुणलोचन अर्थ मतलब प्रातः काल सूर्य के समान लाल लाल नेत्र, भगवान जब हंसते थे तो उनके नेत्रों में लालिमा आ जाती थी और कमल की जैसे लगते थे उनके होंठ, जैसे कमल की सुबह सुबह पर पंखियों को देखो कितने लाल लाल होते हैं ऐसे। और इसलिए भगवान को कह रहे हैं प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन, अलसन का मतलब होता है सुंदर ढंग से सजाए, बहुत ही सुंदर तरीके से सुशोभित भगवान के नेत्र हैं। और मुखम भुज, अम्भुज कहते हैं कमल को, और मुख यानी भगवान का जो मुख कमल है, कमल के समान उनका मुख, ध्यान पथ मेरे ध्यान के मार्ग में। अब जो ध्यान का मतलब होता है, जो ध्यान करते हैं ना योगी लोग, उनका ध्यान का लक्ष्य होता है चतुर्भुज विष्णु। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले नारायण, भीष्म द्वारा आराध्य देव, यानी भीष्म देव कह रहे हैं, भीष्म देव को चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में बहुत ज्यादा आकर्षण था। तो भगवान को कहते हैं कि वो स्वरूप आपका, जो योगी जन ध्यान जिसका लगाते हैं, मैं चाहता हूँ कि वही स्वरूप में आप मेरे सामने यहाँ पर खड़े रहिए जब तक कि मैं देह का त्याग न कर लूं। अनुवाद, चतुर्भुज रूप तथा उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्र से युक्त, सुंदर रीति से सजाए, मुस्कुराते मुख कमल वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ नहीं दूं। तात्पर्य,
Srila Prabhupada द्वारा। Srila Prabhupada की जय हो। Srila Prabhupada जी कहते हैं, भीष्म देव जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। वैष्णव सदा ही आचरण में विनीत होता है। यद्यपि वह यह शत प्रतिशत निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर भीष्म देव वैकुंठ लोक जा रहे थे, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन ना भी कर पाए। वैष्णव को कभी भी गर्व नहीं होता यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्यागूं, इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा। वह प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है, वह इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिताजी से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में उनके समक्ष खड़े रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त होने। जब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए, फिर वे कहीं भी जाएं, इसकी उन्हें परवाह नहीं होगी। शुद्ध भक्त कभी भी भगवत धाम जाने का इच्छुक नहीं रहता, वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक में भी भेजना चाहे तो वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान की शरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्म देव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह मर जाए। शुद्ध भक्त की यही सर्वोच्च अभिलाषा होती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं अंगु लंघयति गिरां यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारणं। भगवान श्री कृष्ण की महानता बताते हुए भीष्म देव ने कहा कि ये जो आपके सामने खड़े हैं, वो साक्षात भगवान हैं, इसलिए आप उसे साधारण मत समझना। यन मत मन्यसे मातुले प्रियं मित्रं सुहृत्तसं। आप भले इसको प्रिय समझते हो, मित्र समझते हो, अपना वेलविशर समझते हो, लेकिन और इसके साथ साथ आप इससे इतने सारे काम करवाते हो। अकरो सचिव अमधूतम सोहर दादा थप सारथी। कभी इसको सचिव बनाते हो, दूध बना के बेचते हो, कभी सारथी बनाते हो, लेकिन वास्तव में ये क्या है? सर्वात्मना समदृश्यो यद वयस यानहं कृते। वो समस्त प्राणियों की आत्मा है, हृदय में विराजमान है, लेकिन इस बात का उनको कोई गर्व नहीं है, अहंकार नहीं करते। तत्कृतम मति वैषम्य नरवर्यस्य न क्वचित। अर्थात वो नर वपु धारण करके भौतिक शरीर में, मतलब भौतिक संसार में आकर भी वो आध्यात्म ही रहते हैं। मतलब वो जो कुछ भी करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समय दृष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों पे बहुत बहुत अनुकंपा करते हैं। इसलिए तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं
यन्मेषु यद्यद्यः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागत कि इतने कृपालु हैं, देखो जिसे मैंने अपने शरीर त्यागने की इच्छा की वो साक्षात आ गए मुझे दर्शन देने के लिए। और आगे कहते हैं भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरम् योगी मुच्यते काम कर्म भी। जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त करा देते हैं। वास्तव में हम इस कलयुग के जीवों के लिए भगवान का पवित्र नाम अत्यंत ही सहायक है। यदि मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नाम का अभ्यास हो जाए ना, जीवन में जीवन भर उस घड़ी के लिए अभ्यास करना है कि उस समय याद आ जाए भगवान का नाम कंटिन्यू। इतना रटना है कि अगर कोई सुई भी चुभे तो भी महामंत्र उच्चारण हो मुख से। तो कहते हैं कि मृत्यु के समय इतनी पीड़ा होती है शरीर में कि जैसे सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारते ना, इतनी पीड़ा होती है। तो यदि हमें हर हाल में भगवान का ये पवित्र महामंत्र उच्चारण करने का अभ्यास होगा ना, तभी हम सक्सेस होंगे। और आज भीष्म पितामह जीवन में पहली बार भगवान से याचना कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे, बहुत बहुत दुख सहे, मगर कभी भगवान से इन कष्टों को कम करने की भी प्रार्थना नहीं की। भगवान से एकदम अयाचक कुछ भी नहीं मांगते थे। वो सोचते थे बस तुम खुश रहो, मुझे कष्ट भोगता हुआ देखते हुए यदि तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होती है तो इन कष्टों को दूर करने की प्रार्थना मैं नहीं करूँगा, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। लेकिन आज जीवन के इस अंत समय में वे भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर अभिलाषा है। वास्तव में भक्त के जीवन में यदि कोई अभिलाषा होनी चाहिए तो यही होनी चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने अंत में बताया है शुद्ध भक्त की यही सर्वोच्च अभिलाषा होती, एक ही इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण मुझे संसार से जाना है और मुझे उस समय तुम्हारा यह नाम याद आ जाए जो अभी भीष्म पितामह के सामने साक्षात भगवान है। ये इससे बड़ा और कोई सौभाग्य के जीव के लिए हो ही नहीं सकता कि भगवान सामने खड़े हो और प्राण निकल जाए। इसलिए बहुत ही सुंदर गाते हैं राधे से जीवन की बस इतनी तमन्ना है, राधे से जीवन की बस इतनी तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, और प्राण निकल जाए। यही अभिलाषा आज भीष्म पितामह कहते हैं सदेव देवो, मैं जानता हूँ कि वे देवों के देव हैं। भीष्म पितामह भगवान के स्टेज को जानते थे, भगवान के स्तर को पता, उन्हें पता था कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवों के देव। देव का मतलब होता है पूज्य, जैसे हम देवताओं को भी देव कहते हैं ना, जैसे वो पूज्य होते हैं हमारे लिए, जैसे सूर्य देव है ना, सूर्य देव हमारे लिए पूज्य है। क्यों? क्योंकि अगर किसी दिन सूर्य देव नहीं आए तो ऐसा हो कि सब कुछ जम जाए, ठंडा हो जाए सब कुछ। सूर्य देव जो तपस्या देते हैं ना, उसके कारण संपूर्ण सृष्टि में जान है। जैसे थोड़ा सा भी जाड़े के दिनों में
सूर्य देव जब दक्षिणा में चले जाते हैं तो जाड़े में सब लोग क्या निकालते हैं, फौरन से कंबल, स्वेटर, सॉक्स, केप्स की इतनी ठंडी हो जाती है कि हम बर्दाश्त नहीं। अगर कभी वो ऐसा नोटिस भेजें कि बस अभी मैं ये ड्यूटी करके करके थक गया हूँ, अभी मुझसे नहीं होगा, अभी मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जिससे भी अपना प्रबंध करना चाहो करो, अगर वो सदा के लिए चले जाए तो पता है क्या होगा, संसार का प्रत्येक जीव वहीं पर जम जाएगा, मतलब वहीं पर सब जम जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और ना अनाज उगेगा ना वर्षा होगी, कुछ भी नहीं होगा, मतलब जीना संभव नहीं है यदि सूर्य ना हो तो। तो कितनी कृपा है इनकी, भगवान के, ये भगवान के ही नियोजित किए हुए, भगवान के ही बस सेवा करते हैं, भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, और तो हम हमारे लिए पूज्य हैं क्योंकि उनका होना हमारे लिए कितना आवश्यक है। उसी प्रकार इंद्रदेव वर्षा करते हैं और ये सब देवी देवताओं के देव यानी सुप्रीम देव जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। इसी कहते हैं सदैव देवो, कि अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है तो इसका मतलब है सारी देवी देवताओं की भक्ति की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हमें अलग अलग देवी देवताओं को का उपहास करना चाहिए या निरादर करना चाहिए, नहीं, हमें उनकी उनका आदर करना चाहिए, देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन उनको भगवान नहीं समझना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सदैव देवो भगवान, कि वो समस्त देवताओं के देवता हैं, वो साक्षात भगवान हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को बोल रहे हैं कि यद्यपि आप देवों के देव हैं, आप भगवान हैं, फिर भी प्रतीक्षता, आप यहाँ पर प्रतीक्षा करिए, आप यहीं पर खड़े हो जाइए, भगवान को बोला बेचना नहीं, अगर बेच जाओगे तो मैं देख नहीं सकूंगा, मैं विवश हूँ, मैं ना बैठ सकता हूँ ना देख सकता हूँ, मैं बस यहाँ पर तुम खड़े हो, मेरी इतनी ही अभी मेरी स्थिति इतनी गंभीर है कि बस यहाँ पर तुम खड़े रहो, अगर यहाँ से हट गए और उस समय मेरी मेरे प्राण त्याग हो गए तो न जाने किस नरक में जाके गिरूंगा, मैं बस, मुझे नरक में जाने से डर नहीं लगता, लेकिन आप यहाँ पर खड़े हो, अंतिम दर्शन में आपका करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे न जाने मेरे अपराधों के कारण मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पता नहीं आगे जाके आपके दर्शन होंगे या नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि यद्यपि भक्तों को भगवान ने गारंटी दी है कि भगवान के भक्त अवश्य भगवान के धाम में आएंगे, लेकिन भगवान के भक्तों के अंदर इतनी विनम्रता होती है कि वो अपने छोटे छोटे अपराधों को भी बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो भक्तों की कैटेगरी में आता ही नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं भगवान की कृपा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए वो सदैव भगवान से विनम्र भाव में प्रार्थना करते, कभी भी उनको इस बात का अहंकार नहीं होता है कि हम तो भक्त हैं, हम तो भगवान के पास जाएंगे, और दूसरे तो भक्त भी नहीं है, वो तो भगवान के पास कभी भी नहीं जाएंगे, नहीं, उनको सदैव लगता है कि मैं नीचों में गिरा हुआ हूँ बस। ये जितनी जितनी भक्ति आपकी उन्नति होती है उतना उतना अपने अंदर अपराध दिखने लगते है। हम देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जिनके सानिध्य में रहने से भगवान को प्रसन्नता हो रही है, और वो अपने आप को बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ जन्मों तक मुझे नरक में जाना पड़ेगा, ये स्थिति होती है एक भक्त का, भक्त के अंदर इतनी विनम्रता होती है कि वो अपने आप को सदैव नरक से समझता है कि मैंने कितने अपराध किए, मैं अपने भगवान को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनकी सेवा सही तरह से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी साधना सही तरह से नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान की कृपा का पात्र ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतम, आप रुकिए, यहाँ मेरी एक ही इच्छा है, आखिरी इच्छा तो सब पूरी करते हैं, आप भी मेरी अंतिम इच्छा पूरी कीजिए, कलेवरम यावत इदम हिनोम्यहम, कलेवरम अर्थात शरीर, यावत का मतलब है कि जब तक मैं इस शरीर को, इदम मतलब इस, हिनोम यह मतलब त्यागो, मैं जब तक इस शरीर को त्यागो,
मैं शरीर को छोड़ूंगा, इसका अर्थ है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो जानते थे कि ये शरीर तो मुझे त्यागना है। इदम और अहम, ये दो वर्ड इस लाइन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये शरीर मुझे, इदम मैंने ये शरीर त्यागना है मुझे, यानी कि हम दो हैं। जैसे हम अपनी शर्ट पहनी हुई होती है, हम बोलते हैं ना ये वाली शर्ट मुझे चेंज करनी है, ये वाली शर्ट मैं उतार के दूसरी शर्ट पहनूंगा। उसी तरह से भीष्म पितामह अच्छी तरह जानते थे, वास्तव में ये जो आत्मा का ज्ञान है ना वो सर्वप्रथम है। भगवत गीता स्टार्ट की भगवान श्री कृष्ण ने इस आत्मा के ज्ञान से। भगवान ने कहा कि न ते वाहम जातु नासम न तम नेने जनादिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी भी नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही कभी दूसरे आगे जाके ऐसा होगा कि हम लोग नहीं, हम किसी न किसी स्थिति में होंगे। हमारा होना कभी समाप्त नहीं होगा, अर्थात अगर हम भगवान के धाम में मुक्त भी हो जाएंगे तो भी तो हम होंगे ना, हमारा अस्तित्व तो समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ गोविंद, कि कलेवरम यावदिदम् हिनोम्यहम्, कि जब तक मैं इस शरीर को त्याग